तो स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक हाउस पर। जैसे कि फ्रेंड्स, आज फिर से दो ऐसे ब्रांड की बात करने वाले जिनके लो बजट फोन होने के साथ साथ इनकी कम प्राइस में भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना क्योंकि वीडियो हमारी, फायदा आपका। तो इसी के साथ आज हम बात करने वाले, एक तरफ होगा हमारा रेडमी का नोट 8 प्रो और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाएगा रियलमी का 5S जो कि अभी 20 नवंबर को इंडियन मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। तो आप सोच रहे हैं ऐसा कंपेरिजन क्यों, तो चलिए प्लीज आप ही देख लीजिए। कम प्राइस में आपके हाथ में अच्छा फोन लग जाए वही हमारे लिए मेन चीज है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले सबसे पहले डिस्प्ले क्वालिटी देख लें दोनों फोन की। तो आप रेडमी नोट 8 प्रो में आपको मिल जाती है 6.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले और वहीं रियलमी 5S में आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी के अंदर हमारा नोट 8 प्रो में आपको काफी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो IPS LCD डिस्प्ले भी काफी बेटर होती है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। मैं बता दूंगा आपको प्राइस क्या होने वाली है, तो बने रहिए। अब देखें कैमरा क्वालिटी आपको कैसी मिलने वाली। तो यहां पर जो रेडमी नोट 8 प्रो में जो इंप्रूवमेंट हुआ था, एक तरीके से ये रेडमी का फ्लैगशिप फोन होने वाला था जिसके अंदर आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का रियर में काफी बढ़िया सेंसर और उसी के साथ 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड शॉट के लिए। 8 मेगापिक्सल सेंसर और 2 मेगापिक्सल का वही मिल जाता है आपको डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस जिससे कि पोर्ट्रेट शॉट आने वाले हैं। और फ्रंट में आपको मिल जाती है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी। और वहीं बात करें अगर रियलमी 5S में, तो यहां पर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है जिसमें आपको प्राइमरी लेंस मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का, मतलब कि कम प्राइस रेंज में काफी एक बढ़िया आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा रियलमी 5S में। वहीं 8 मेगापिक्सल का इसमें भी सेम वाइड एंगल के लिए और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो शॉट जिससे कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक के आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। मतलब दोनों ही फोन में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिल जाता है, एक तरफ आपको मिल जाता है 64 MP का और एक तरफ मिल जाता है रियलमी 5 में 48, मतलब यहां पर भी कैमरा कंपैरिजन भी काफी बढ़िया है। और फ्रंट में आपको मिल जाता है रियलमी 5S में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। परफॉर्मेंस अगर देखी जाए दोनों ही फोन की, तो यहां पर आपको रेडमी नोट 8 प्रो में देखें तो ये भी दोनों ही फोन एंड्रॉइड 9.5 पर वर्क करने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको चिपसेट जो मिल जाता है रेडमी नोट 8 प्रो में MediaTek का हेलियो G90T। और उसी के साथ आपको जब रियलमी 5S की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है Qualcomm का स्नैपड्रैगन 665, मतलब कि यहाँ पर प्रोसेसर लगभग दोनों के सेम है। MediaTek का हेलियो G90 काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर होता है और 665 प्रोसेसर इसमें रियलमी 5S का भी इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेटर होने वाला है जो कि रियलमी 5S की प्राइस बताई जा रही है। अब दोनों ही फोन के अगर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो आपको स्टोरेज यहाँ पर जो बेसिक वेरियंट्स दोनों ही फोन के, यहाँ पर आपको रेडमी नोट 8 प्रो में मिल जाता है 6GB 64GB का बेसिक वेरिएंट और रियलमी 5S में मिल जाता है आपको 3GB 32GB का बेसिक, मतलब कम प्राइस, कम बजट, कम स्टोरेज के साथ साथ ये फ़ोन आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब दोनों ही फ़ोन की अगर बैटरी कैपेसिटी की बात करें यहाँ पर, तो बैटरी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है रियलमी के 5 में, क्योंकि यह रियलमी 5 के बाद रियलमी 5 प्रो आया, उसके बाद 5 है, इसका एक और नेक्स्ट अपडेट है काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर रियलमी 5 ने लॉन्च कराया। तो बैटरी कैपेसिटी अगर देखा जाए रेडमी नोट 8 प्रो में आपको मिल जाती है 4500 mAh की लियो आयन की बैटरी, उसके साथ आपको मिल जाता है एक बढ़िया सा फास्ट चार्जर। और रियलमी 5S की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलने वाली 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, इसके साथ भी आपको एक फास्ट चार्जर मिल जाता है, मतलब कि बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी रियलमी 5S में। तो फ्रेंड अगर बात करें दोनों ही फ़ोन की प्राइस रेंज की, क्यों यहीं से इनका जो मेन डिफरेंस है यहीं से आपको शो होगा कि यहाँ से आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए नहीं। तो रेडमी नोट 8 प्रो भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है और अगर अभी जो फ़ोन अपने और लोग वेट कर रहे हैं तो आप रियलमी 5S को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो 3GB 32GB जो बेसिक वेरियंट है वो आपको 8999 रुपये में मिल जाएगा और वहीं 6GB 64GB का बेसिक वेरियंट जो रेडमी नोट 8 प्रो का वो मिलता है आपको 14999 में, मतलब कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा ली जा रही है आपसे। फीचर्स लगभग सेम ही है दोनों फोन के, सिर्फ एक में आपको मिल जाता है 64 MP का क्वाड कैमरा, मतलब प्राइमरी लेंस इसमें 48 का मिल जाता है, थोड़े डिस्प्ले क्वालिटी का हल्का सा चेंजेस है, बाकी आपको दोनों ही फोन में काफ़ी सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड आप चूज़ कर सकते हैं रियलमी 5S का लो बजट फोन, आपका काफ़ी बढ़िया होने वाला। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं और टेक हाउस की फैमिली के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।